जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल स्टडी 91 से जुड़े, ठीक है। याद रखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मुहावरा एवं लोकोक्तियां। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे हिंदी के टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है। मुहावरा लोकोक्तियां का ये आपका पहला पार्ट है, तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट में आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है और कितनी बातें ऐसी हैं जो आप सभी याद रखते हैं या आगे आपको वो चीजें याद रहती हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा सोच समझ कर इसका जवाब दीजिएगा कि मुहावरा क्या होता है। सामान्य शब्दों में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुहावरा क्या होता है, ये आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों कई बार आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में सर मुहावरा किसे कहते हैं और लोकोक्तियां किसे कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, मुहावरा कहा जाता है हमेशा वाक्यांश को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मुहावरा कहा जाता है वाक्यांश को। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, अगर इसको आप अलग करेंगे तो हो जाएगा वाक्य धन अंश। वाक्य धन अंश बराबर क्या हो जाता है? वाक्यांश हो जाता है। इसका मतलब मुहावरा क्या होता है, ये वाक्य का अंश होता है, ठीक है। वाक्य काफी बड़े बड़े होते हैं, उसका एक छोटा सा भाग, छोटा हिस्सा यह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेगा मुहावरा क्या होता है, हमेशा याद रखेगा कि मुहावरा जो होता है यह वाक्यांश होता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखेगा, लेकिन लेकिन वहां पे लगता है लेकिन 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 क्या है दोस्तों, याद रखेगा इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका स्वतंत्र स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो मुहावरा होता है ना, इसका आप यूज कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं यूज ही नहीं हो पाएगा, कहीं स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछूं, बहुत सारा मुहावरा होता है जैसे शर्मिंदा होना, ठीक है, या नजरें झुकाना। तो नजर झुकाना का मतलब होता है, या नजरें न मिला पाना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो नजर न मिला पाना या स्वतंत्र रूप से आप इस्तेमाल करेंगे, आप किसी शब्द में इसका इस्तेमाल करेंगे कि मोहन ने आज ऐसा काम किया को किसी से नजर नहीं मिला पा रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। या फिर नजर न मिला पाना, क्या इस तरह की वाक्य का अंश बोल करके आप कोई अर्थ दे सकते हैं? नहीं मिलेगा आपको। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझिए, यहां पे बात यह है कि वाक्यांश होता है और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पूरे वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उत्तर मिल पाएगा। जैसे मैंने कहा कि मोहन ने आज ऐसा काम किया है कि वह किसी से नजर नहीं मिला सकता, मतलब क्या है, मोहन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, ठीक है, तो यह इसका मतलब होता है। या इसी तरह से दोस्तों मैं आपसे कहूं कि सोहन ने आज बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब यानी लाभ का कोई अवसर था, उसका फायदा उसने उठा लिया, तो बहती गंगा में हाथ धो देना याद रखेगा, ठीक है। या चलते रोड पे किसी बस से ट्रक से कुछ सामान गिरा और वो सामान जो किसी व्यक्ति को मिल गया, तो बहती गंगा में उसने हाथ धो लिया कि सामान गिर रहा था, सब लोग लूट ही रहे थे, उसने भी लूट लिया, ठीक है। तो याद रखेगा, हालांकि इस तरह की चीजें गलत होती, लेकिन कुल मिला जुला के मेरा आपको बताने का तात्पर्य है कि आप जाने मुहावरा क्या होता है, ठीक है। आप लोग लगातार कमेंट करते रहे ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई आप लोग भी जानते हो इसके बारे में, ठीक है। देखिए मुहावरा एवं लोकोक्तियां आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं चाहूंगा कम से कम दो तीन पार्ट में इसको मैं कवर कराऊं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आज हम लोग मुहावरा पढ़ रहे हैं, कल हम लोग एक बार फिर से क्या पढ़ेंगे, लोकोक्ति पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह की चीजें आती। लेकिन आज हम एक बार और बातचीत कर लेते हैं कि लोकोक्ति क्या होता है। जैसे आप मुहावरा तो जान गए, तो याद रखिएगा लोकोक्ति क्या होता है। अब देखिए, जैसे हमने मुहावरा के बारे में पढ़ा कि मुहावरा जो होता है दोस्तों, ये वाक्यांश होता है, किसी वाक्य का अंश होता है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य को ही कहा जाता है। लोकोक्ति क्या होती है? ये संपूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, वाक्य होती है, होता है, ठीक है, याद रखेगा, होती रहेगा वैसे, ठीक है, याद रखेगा, संपूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, याद रखेगा। और साथ ही साथ इसका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। प्रयोग जो है ये हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं लोकोक्ति, ठीक है। तो अभी आगे बताऊंगा मैं कि मुहावरा और लोकोक्ति का आपको उदाहरण दिया जाएगा, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए आगे बताइए दोस्तों। सबसे पहला दिया जा रहा है दोस्तों कान लगाना। बताइए कान लगाना मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आपने सुना होगा, मैं आपको जितना भी मुहावरा बनाऊंगा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता भी चलूंगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन आप लोग पहले इसका तुरंत उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए कि भाई कान लगाना मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं ना कि भाई वो तो कान लगा के हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। कान लगा के सुनना मतलब ऐसा नहीं कि दीवार पे कान लगा के सुन रहा है, कान लगाना मतलब वो हमारी बातों पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो कान लगाना मतलब क्या होता है? ध्यान देना। कान लगाना मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है, याद रखेगा। कान लगा के सुनना मतलब क्या होता है? ध्यान देना। समझ में आ गया ना? अब मुझे अगर वाक्य प्रयोग आप यहां पर लिखवाएंगे तो मेरा टाइम टूटेगा और आपका भी टाइम नुकसान होगा। मैं आपको वाक्यों का प्रयोग खुद से करके बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। तो याद रखेगा कान लगाना मतलब क्या होता है? ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए आगे
बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना तो मतलब याद रखिए अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं इस समय हिंदी की बहुत सारे बच्चे पेड क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, जगह जगह हिंदी की क्लासेस करते होंगे। स्टडी 91 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की क्लासेस दे रहा है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोने, क्यों? क्योंकि इस अवसर का आप लाभ उठाइए, यह अवसर आपको मुफ्त मिल रहा है तो इस अवसर का आप लाभ उठाइए। इसी को कहा जाता है बहती गंगा में हाथ धुलना, ठीक है, समझ में आ गया, यानी अवसर का लाभ उठाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कान खड़े करना, लोग बोलते हैं ना कान खड़े करना, मतलब क्या हो जाता है? कभी देखिए ऐसे आप नहीं समझ पाऊंगा, ऐसे समझिए कभी कभी कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं, अपना कान खड़ा कर लेते हैं। ऐसे क्या कान खड़ा कब करते हैं? जब वो चौकन्ना होते हैं। कान खड़े करने का मतलब क्या होता है? चौकन्ना होना। कान खड़े करना मतलब क्या होता है दोस्तों? चौकन्ना होना। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप चौकन्ने हो जाइए, कोई चोर आने वाला है, डाकू आने वाला, फला व्यक्ति आने वाला, चौकन्ना हो जाइए, कोई अपराधी आने वाला, चौकन्ना, कान खड़े कर लीजिए। कान खड़े करने का मतलब चौकन्ना होकर के आप अपनी पांचों नहीं छह इंद्री, जो छठी इंद्री होती है, ठीक है, उसको भी आप जगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चौकन्ने होने का समय आ गया है। तो कान खड़े करने का अर्थ होता है चौकन्ना होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल मैं पात पात। बताइए फटाफट बताइए भाई, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, इतना लेट चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप स्टडी 91 के बच्चे हैं, ठीक है, फटाफट बताएं, तू डाल मैं पात पात, ठीक है। जब किसी में झगड़ा होता है तो आपको लगता होगा, आप बोलते हैं ना कि चलो अगर तुम चालाकी दिखा रहे हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। तू डाल मैं पात पात, मतलब मैं तुम्हारी बात का या तुम्हारी चीजों का जवाब क्या दूंगा? एकदम चालाकी से दूंगा। यानी जब ऐसा कहा जाता है कि चालाकी का जवाब, तू डाल, ठीक है, चालाकी का जवाब, ठीक है, चालाकी से देना, ठीक है, याद रखेगा। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है तू डाल मैं पात पात, यानी जैसा जैसा तुम करोगे, तुमसे अगर तुम डाल चलोगे तो मैं पत्ती पत्ती चलूंगा, मतलब जितना तुम करोगे तुमसे दो कदम आगे बढ़ के मैं वो काम करूंगा। इसको कहा जाता है तू डाल मैं पात पात। और आप लोगों को चाहिए कि स्टडी 91 पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप नितिन सर के साथ अपना कंपैरिजन करिए कि नितिन सर आप डाल तो हम पात पात चलेंगे, यानी हम आपको भी पीछे कर देंगे। तब जानिए, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे नितिन सर को पीछे करना है, तो जान लिया आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बताइए, आंख लगना मतलब क्या होता है? अच्छा, आंख लगना या आंख लगाना दो बातें होती, ठीक है, याद रखिएगा। आंख लगना मतलब क्या होता है? आंख लगाना का मतलब होता है दोस्तों, लगना की जगह यहां पे लगाना होगा वैसे, ठीक है। आंख लगना मतलब सो जाना। देखिए यहां पे दो बातें हैं, अगर आप बोलते हो आंख लगना, ठीक है, तो आप बोलते होंगे कि यार मेरी आंख लग गई, ठीक है, आंख लगना, ठीक है। आंख लगने मतलब होता है सो जाना, ठीक है, सो जाना, ठीक है, ये अलग हो जाता है। और आंख लगाना मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, आंख लगाने का मतलब होता है निगाह लगाना, ठीक है, निगाह लगाना, ठीक है, निगाह लगाना। या फिर देखिए, कभी मान लीजिए कोई अपराधी है, अगर वो फरार हो रहा है, ठीक है, या किसी पर निगाह रखने की बात भी कर सकते हैं, निगाह रखना, ठीक है। अपराधी है, उसको अगर वो कहीं से फरार हुआ है, भागा हुआ है, उसको पकड़ना है, तो पुलिस उस पर क्या करती है? निगाह रखती है, यानी आंख लगाए रहती है। वो आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई बंदा कहीं से जाता है और आपकी दुश्मनी, तो आप हमेशा आंख लगाए रखते हो कि वो कहां जाता है, क्या करता है, ठीक है, आंख लगाना, ठीक है। तो आंख लगाने का मतलब क्या होता है? निगाह रखना या आंख रखना, ठीक है। काठ का उल्लू होना, बताइए तो काठ का उल्लू होने मतलब क्या है दोस्तों? अच्छा, उल्लू माने क्या होता है? अगर कोई आपको बोल दे उल्लू हो क्या, तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। उल्लू माने होता है दोस्तों मूर्ख, उल्लू माने क्या होता है? मूर्ख। अब मुझे बता दो, काठ का, अभी देखिए सच्ची उल्लू की जगह अलग बात होती है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया दोस्तों काठ का उल्लू होना तो क्या हो जाएगा? यानी अभी तो खाली मूर्ख की बात हो रही थी, जब कोई आपको बोल दे काठ का उल्लू होना, मतलब बड़ा मूर्ख होना, ठीक है, छोटा मूर्ख नहीं, बड़ा मूर्ख होना, ठीक है। तो याद रखेगा, उल्लू माने मूर्ख होता है और काठ का उल्लू मतलब बड़ा मूर्ख होना, ठीक है, बड़ा मूर्ख होना, यानी मूर्ख नहीं, मूर्खों में मूर्ख है, तो याद रखेगा वो काठ का उल्लू, ठीक है। आगे देखे दोस्तों, आंख खुलना मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना, अरे समय से मेरी आंख खुल गई, मतलब अरे मैं मेरा पैसा बैंक में फंस गया होता या मैं धोखेबाजी का शिकार हो गया होता तो मेरी आंख खुल गई, तुमने मेरी आंख खोल दी। आंख खुलना मतलब क्या होता है? सजग होना। आंख खुलने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सजग होना, ठीक है, यानी आप कहीं से सजग हो गए, ठीक है, समय रहते अगर आपकी आंख खुल गई तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह समय इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने गोल्डन चांस खो दिया तो याद रखे फिर आपको यह अवसर दोबारा मिलने वाला
मौका नहीं है, ना ही आपको बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य दोस्तों कि ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको चाहिए कि आप आंख खोल के इसमें पढ़ाइए, सजग होकर पढ़ाई करिए, कहां पढ़ना है, कितना समय देना, किस चैनल से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये सब आपका जो है क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कपटी मित्र, कपटी मित्र देखिए मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर, कपटी मित्र किसको कहा जाता है, कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा का शब्द है जिसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। क्या? आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र, यानी जो अपने साथ रहता है, आस्तीन मतलब जो हमारे साथ साथ रहता है, वही क्या है, असला खिलाड़ी है। ठीक है, वही सांप है, वही हमें धोखा दे रहा है, आस्तीन का सांप। ठीक है, जब कभी आपका कोई परम मित्र आपको धोखा देता है तो आप कहते हो अरे मेरा आस्तीन का सांप था। ठीक है, यानी मेरे साथ रहकर हम ही को धोखा दे दिया, ये हमारा कपटी मित्र है। कैसा है? कपटी मित्र है, इसको आस्तीन का सांप भी कहा जा सकता है। फटाफट आप लोग करते रहिए, ठीक है, जितना जल्दी जल्दी आप सभी उत्तर उतना ज्यादा मजा आप सभी को आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो रहा कपटी मित्र, याद रखिएगा आस्तीन का सांप कहा जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, गांठ का पूरा, बताएं तो गांठ का पूरा ये किसे कहा जाता है, सोच समझ के बताइए। गांठ का पूरा, गांठ का पूरा यानी देखिए पुराने जमाने में आपको पता होगा औरतें अपने गांठ में जो साड़ी में कोना होता है उसमें कुछ रुपए गठिया के रखती थी। ठीक है, तो गांठ का पूरा मतलब बड़ा मालदार। ठीक है, कैसा, याद रखेगा गांठ का पूरा मतलब मालदार बोल सकते हो, गांठ का पूरा मतलब धनी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखेगा किसी मालदार व्यक्ति को या धनी को यह इंडिकेट करता है गांठ का पूरा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, देखिए मैं वही प्रश्न पढ़ाता हूं जो आपको परीक्षा में मिले। ठीक है, आगे देखिए, बालू से तेल निकालना संभव है क्या यार, कि कोई बालू से तेल निकाल दे, कोई हथेली पर पेड़ उगा दे, क्या ये सब संभव चीजें नहीं यार, ये संभव चीजें नहीं है। तो याद रखिए बालू से तेल निकालना ही क्या है, ये असंभव है। तो याद रखिएगा असंभव कार्य की तुलना किससे किया जाता है, जैसे हमने कह दिया बालू से तेल निकालना, मैंने कह दिया हथेली पर सरसों जमाना, मैंने कह दिया 32 का महीना कभी आएगा ही नहीं। तो याद रखिएगा जो असंभव कार्य होते हैं उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आपको पता होगा कुछ व्यक्ति कंजूस होते हैं। ठीक है, कंजूस मक्खी चूस, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, पैसा होने के बावजूद भी कभी कुछ खा नहीं सकते। ठीक है, कभी कुछ पहन नहीं सकते, कुछ नया खरीद नहीं सकते, मतलब परम कंजूस, खूब है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया लेकिन वो कंजूस हैं ही। ठीक है, तो कंजूस, और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो याद रखे जो बड़े बड़े कंजूस होते हैं दोस्तों, बड़े कंजूस जो होते हैं, ठीक है, याद रखेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, यानी मर जाएंगे सब बिना खाए लेकिन खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखे दोस्तों बड़े कंजूसों को क्या कहा जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसी तरह का एक बार हम लोग पढ़े थे बड़ा मूर्ख होना, ठीक है, यानी काठ का उल्लू, काठ के उल्लू को क्या कहा जाता है, उल्लू माने मूर्ख, और काठ के उल्लू माने बड़ा मूर्ख। ठीक है, और याद रखे बड़ा कंजूस मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब बड़ा कंजूस कर सकते हैं, या इसके जगह और भी बोल सकते हैं बहुत कंजूसी करना, बहुत ज्यादा कंजूसी करना, इसको बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पानी से घी निकालना, गजब बात करो यार, घी तो दूध से निकलता है ना, पानी से थोड़ा निकलना, ये तो वही वाली बात हो गई, बालू से तेल निकालना, पानी से घी निकालना, हाथ पे सरसों जमाना, ये सब के सब क्या होते हैं, असंभव कार्य होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, याद रखेगा असंभव कार्य होते हैं, और असंभव कार्यों के लिए इस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब मुहावरे आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, आग लगने पर कुआं खोदना, अच्छा मतलब क्या है दोस्तों, आग लगने पर, जब आग लग गई तब जाके इनको पानी की याद आई और तब जाकर के ये कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, आग लगना मतलब क्या होता है दोस्तों, संकट आ गया है। ठीक है, संकट, तो याद रखिए संकट की स्थिति में, संकट की स्थिति में, अब देखिए आग लग गई और कुआं खोदना, संकट की स्थिति में विचार करना। ठीक है, अब सोचने के ऐसा कर लिया जाए, ठीक है, विचार करना, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये कहलाता आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, या प्यास लगने पर, इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या, प्यास लगने पर कुआं खोदना। पहले नहीं चेत था कि प्यास लगेगा तो पानी कहां से पियेंगे, अब चेत आया, यानी जब प्यास लग गई, यानी जब संकट की घड़ी आ गई, तब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, मुझे विचार कर रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए था, तो आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, खरगोश के सींग निकलना, फिर वही बात, खरगोश का सींग कभी देखे हैं, खरगोश का सींग कोई देखा तो बताएं,
खरगोश इतना प्यारा सा जानवर होता है, उसका सींग कैसे आएगा ना? तो याद रखेगा खरगोश का सींग निकलना मतलब ये भी क्या है, असंभव है। तो याद रखेगा असंभव कार्य या असंभव कोई कार्य है जो होना, याद रखेगा ये खरगोश का सींग निकलना यानी असंभव कार्य की बात की जा रही है। याद रखेगा खरगोश का सींग क्योंकि कभी निकलता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखे दोस्तों लाभ ही लाभ, ठीक है, ये मैंने उल्टा दे दिया। आप इसके लिए एक मुहावरा बनाते हैं लाभ ही लाभ के बारे में कि पांचों अंगुली घी में, बोलते हो कि नहीं, पांचों अंगुली घी में, ठीक है, पांचों अंगुली घी में। एक होता तो चाट लेते हैं, एक अंगुली होता तो फायदा होता, पांचों अंगुली घी में भैया इनका मतलब इनको लाभ ही लाभ है, कहीं इनका हानि नहीं है। तो अगर आप स्टडी 91 पे पढ़ते हैं तो याद रखिए आपकी पांचों अंगुली घी में है, आपका लाभ ही लाभ है, कहीं आपकी कोई हानि नहीं है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन सभी प्रश्नों को आज आपके सामने करा रहा हूं, और थोड़े बहुत नहीं दोस्तों कम से कम 50 ऐसे प्रश्नों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे ताकि आपको खूब मजा आए, ठीक है। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए आप लोग लगातार इस तरह से कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आप लोग जुड़े हैं और करते चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों चांद पर थूकना, अच्छा चांद पर थूकना, बताइए कोई व्यक्ति अगर चांद पर छूके, चांद पर थूकना मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य निकाला जाता दोस्तों कि कोई निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष पर, निर्दोष व्यक्ति पर, ठीक है, व्यक्ति पर, ठीक है, कलंक लगाना, क्या लगाना, अगर निर्दोष व्यक्ति पर कोई कलंक लगाता है जिसका जानते हुए कि उसका कोई दोष नहीं है, तो याद रखेगा ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है चांद पर थूकना, ठीक है। या निर्दोष के अलावा भी आप बोल सकते हो कि किसी सम्मानित व्यक्ति पर, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति पर, सम्मानित व्यक्ति का निरादर करना, ऐसे बोल सकते हो ना, निरादर करना। देखिए आप मीनिंग समझिए कि मीनिंग क्या निकलता है, उस तरह का आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये भी बोल सकते हैं ईमानदार व्यक्ति को निरादर करना, ईमानदार व्यक्ति पर क्या लगाना, आरोप लगाना या झूठा कलंक लगाना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये होता है चांद पर थूकना, ठीक है। आगे देखिए स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर रहो, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो। उसी तरह से एक शब्द और बोलते हैं स्वावलंबी होना, यानी स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब स्वावलंबी यानी स्वधन आलंब, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा स्वधन आलंब, इसी से शब्द बना है स्वावलंब, ठीक है। क्या बनता है, स्वालंब, इससे शब्द बनता है स्वालंब, और इसी में आ जाता है स्वालंबी, इससे जाकर बनता है स्वालंबी। तो याद रखिए स्व माने अपना, आलंब माने अपने पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ा होना, और अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब नहीं कि आप चलते हैं, ठीक है, अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब क्या है, अब आपकी नौकरी चाकरी लग गई है, आप अपने खर्चे को खुद संभाल सकते हो, अब आप अपने माता पिता को और अपने समाज को सबको लेकर चल सकते हो, तो ये होता है स्वावलंबी होना यानी अपने पैरों पर खड़ा होना, इसको क्या कहा जाता है, स्वावलंबी होना। और हम सभी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने, हम दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसके लिए कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, बताएं पढ़े फारसी बीचे बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़े फारसी यानी बहुत अच्छी पढ़ाई किया, बहुत अच्छी, पढ़े फारसी मतलब क्या होता है कि तोड़ के निकाले। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी सेंटेंस का अर्थ नहीं जानते, मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि कैसे आप शब्दों को अलग करके, वाक्यांश से शब्दों को अलग करके, निचोड़ करके उसका उत्तर बना सकते हैं। देखिए पढ़े फारसी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर योग्यता है, क्या है, योग्यता। देखिए निकालते कैसे, मान लीजिए आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता ये क्या करना चाहता है, आइए निकालते हैं योग्यता। पढ़े फारसी बेचे तेल, ओहो मतलब योग्यता के अनुरूप काम नहीं है, फारसी पढ़ के कोई तेल बेचता है, मतलब योग्यता के अनुरूप अनुरूप काम नहीं, ठीक है, या बोल सकते हैं ना, इतने का ही बोल सकते हैं कि नहीं, आप बोल सकते हैं ना। आगे देखिए यह देखो कुदरत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, मतलब योग्यता होते हुए भी उसके अनुरूप काम नहीं करना, या पे बोल सकते हैं योग्यता होते हुए भी विवश होकर, क्या बोल सकते हैं, विवश होकर, विवश होकर निम्न काम करना, विवश होकर के निम्न कार्य करना, काम करना, यह क्या कहलाता दोस्तों, यह कहलाता है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, समझ में आ रहा है। तो कभी कभी वाक्यांश से शब्दों को तोड़ करके भी उत्तर निकाला जा सकता है,
ये मुहावरा है यार, मुहावरा अगर आप उससे बातचीत करेंगे मुहावरा से तो आपको हमेशा आपका उत्तर मिल ही जाएगा, घबराने वाली कोई बात यहां पर नहीं है। ठीक है, पानी खत्म है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पढ़िए, अगला लिख रहा है दोस्तों आसमान फट जाना। ओहो, आसमान फट जाना या बादल फट जाना, इसका तात्पर्य क्या होता है? आसमान फट जाना मतलब अचानक, देखिए ये सब बता के तो होता नहीं है, तो अचानक आफत आना, अचानक आफत आना, ठीक है, आफत आना या अचानक समस्या आना, ठीक है, आफत बोलिए, समस्या बोलिए, ठीक है, कुछ भी बोलिए, ठीक है, समस्या आना, ठीक है, याद रखेगा इसे क्या कहा जाता है, यानी हमारे सर पे आसमान फट गया, ठीक है, बादल फट गया, इसको क्या कहा जाता है? अचानक समस्या आ गया, हम अचानक फंस गए किसी आपत में, मुसीबत में, ये सब होता है। ठीक है, आगे देखिए, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है जहां न पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां पर रवि, यहां न लगा लीजिएगा, ये दोनों होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, न लगा के भी बन सकता है, कि जहां रवि मतलब क्या होता है, रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब होता है भास्कर, रवि मतलब होता है दिनकर, रवि मतलब होता है दिवाकर, रवि मतलब होता है प्रभाकर, रवि माने होता है मार्तंड, रवि माने होता है सविता, बताइए सब होता है ना। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है जहां न पहुंचे रवि, मतलब जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां पहुंचे कवि, मतलब वहां कौन पहुंचता है? कवि पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि कवि जो होते हैं दोस्तों ये बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि क्या होते हैं? ये बहुत बहुत कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कैसे? अब देखिए कोई कवि को देखिए तो कवि क्या कहता है, प्रेमिका और प्रेमी के अगर नायक नायिका के विरह दृश्य का वर्णन कर देता है तो उसके दिल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या वहां रवि पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता, वहां कौन पहुंच गया? कवि पहुंच गया। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों, सावन हरे न भादो सूखे मतलब जो हमेशा एक समान रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है, हमेशा एक जैसे रहना, इसको क्या बोलते हैं? हमेशा एक जैसा रहना, ठीक है, या और अपने भाषा में बोल सकते हो एक समान रहना, एक समान रहना, कुछ भी बोलिए, एक समान रहना। कई कई बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, बस आपका और जो मेरा अर्थ है ये एक बराबर होना चाहिए, मुहावरा में यही आपको देखना पड़ता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हिंदी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिए, हिंदी में सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि आप कंपेयर करने लगते हैं कि यार नितिन सर कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, यहां कम पढ़ा रहे हैं, यार क्या फर्क पड़ता है, नितिन सर एक दो साल हिंदी थोड़े पढ़ाएंगे, नितिन सर मान लीजिए 24 पार्ट पढ़ाएं, ठीक है 24-25 पार्ट और पढ़ाएंगे, 60-70 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, लेकिन फिर एक टॉपिक छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, तो मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। आगे देखिए दोस्तों, घड़ो पानी पढ़ना, बताइए घड़ो पानी पढ़ना मतलब क्या होता है? देखिए घड़ो पानी पढ़ना आप बोल सकते हो कि इसका तात्पर्य होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा था आंख न मिला पाना, ठीक है, आंख आंख चुराना, आंख चुराना, ठीक है, ठीक है, या सामना न कर पाना। तो घड़ो पानी पड़ना मतलब कुल मिला जुला के इसका अर्थ निकलता है लज्जित होना, लज्जित होना, या एक बच्चा बता दिया शर्मिंदा होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है घड़ो पानी पड़ना या आंख चुराना, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? लज्जित होना, मतलब आप आंखें चुरा रहे हो, आंख से आंख मिला नहीं पा रहे हो, इसको कहते हैं लज्जित होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम, जरा मुझे बताओ लश्कर किसकी पर्यायवाची है? लश्कर पर्यायवाची है, पता कि नहीं आपको, पढ़ाया था मैं, ऐसे भूलेंगे आप सभी तो कैसे काम चलेगा? लश्कर पर्यायवाची दोस्तों सेना का, सेना को लश्कर कहा जाता है, सेना को सेना कहा जाता है, सेना को फौज कहा जाता है, क्या कहते हैं? फौज, सेना को फौज कहते हैं, इसको दल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बटालियन भी बोल सकते हैं, इसको पलटन बोला जा सकता है, ठीक है, पलटन, ये सब क्या है ये याद रखेगा, ये सब नाम है। तो कह रहा लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम मतलब कि याद रखिए इसको, इसका अर्थ निकालते हैं तो ये अर्थ निकल के आता है कि दोष किसी और का और मड़ा किसी और के सर जाना, ठीक है, तो इस लाइन को बोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि दोष किसी और का, ऐसे लिख दीजिए, दोष किसी और का
किसी और के सिर मढ़ा जाना, किसी और के सिर मढ़ा जाना, ठीक है, मतलब गलती किसी और ने किया, ठीक है, और उसका दंड कोई और भोगा जा रहा है, किसी और को दिया जा रहा है। ये कहा जाता है लश्कर में ऊंट बदनाम, जिस मतलब जिसकी गलती नहीं है उसको उस गलती की सजा दी जा रही है, ठीक है, ये होता है लश्कर में ऊंट बदनाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़िएगा जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। अच्छा संभव है क्या जूतियों में दाल बांटना? नहीं, संभव तो नहीं, लेकिन असंभव कार्य इसका मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा जूतियों में दाल बांटना। अच्छा एक बात बता दो, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आप किसी शादी में गए फंक्शन में और वहां पर आपने जूतियों में दाल बांट दिया, क्या होगा, क्या होगा बताइए, होगा क्या, फिर आप बचोगे नहीं, क्यों, क्योंकि अब होगा असली लड़ाई, ठीक है। याद रखिएगा लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है जूतियों में दाल बांटना, ठीक है, यानी लगाई ऐसा काम करना कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, इसी को कहा जाता है जूतियों में दाल बांटना, जूतियों पर दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। आगे देखिए, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद, अच्छा कुजगह मतलब ऐसी जगह फोड़ा हुआ कि आप किसी को बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, और ससुर वैद, ठीक है, और अपने से उसकी वो कर रहे हो, तो दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कुजगह फोड़ा और ससुर वैद को कहा जाता है, ये धर्म संकट की स्थिति है, क्या है, धर्म संकट की स्थिति, ठीक है, धर्म संकट की स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद, ठीक है, यानी ऐसी स्थिति आ गई है, ठीक है, आप ऐसे विडंबना में पड़ गए हो कि हम साथ किसका दें, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी और आपकी माँ में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, ठीक है, अब साथ देने की बात आई तो किसकी साथ देंगे, माँ का साथ छोड़ नहीं सकते, पत्नी का भी नहीं छोड़ सकते, क्यों, जीवन साथी आपकी, माँ का भी नहीं सोचते, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, धर्म संकट की स्थिति, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यह क्या है, यह धर्म संकट बन गया, तो कुजगह फोड़ा और ससुर वैद, ये जो मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है, धर्म संकट की स्थिति, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे पढ़िए, ओछे की प्रीति भालू की भीति, मतलब जल्दी से बताइए, ओछे की प्रीति और भालू की, अच्छा बताओ बालू, बालू भालू नहीं, बालू, बालू की भीत, भीती मतलब क्या होता है दोस्तों, भीती मतलब होता है दीवाल, ठीक है, हम लोग गांव में भीत बोला जाता है इसको, भीत माने क्या होता है, दीवाल होता है, ठीक है, दीवाल, तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं बालू की भीत बनाई है तो क्या टिकेगा, नहीं, ये टिकेगा, आप बताओ, छोड़ो यार इस मुहावरे का अर्थ नहीं आता, छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, अगर मैं कहूँ कि बालू की भीत कहीं बनी हुई तो क्या टिकेगा, ये तो हवा में उड़ जाएगा, तो याद रखेगा बालू की भीत, और प्रीति माने होता है दोस्तों प्रेम, प्रीति माने क्या होता है प्रेम, ओछे की प्रीत, याद रखेगा ये जो बालू की भीत होती, जिस प्रकार से बालू की भीत नहीं टिकती है, बालू की भीत अस्थायी होती है, उसी तरह से प्रेम भी क्या होता है अस्थायी होता है, ठीक है, ओछे की प्रीत, ठीक है, यानी ये जो ओछो ओछो करके दोस्तों लोग ओछे लोग जो प्रेम दिखाते हैं, इनका प्रेम कैसा होता है, ये दिखावे का होता है, दिखावा वाला प्रेम होता है, सबका प्रेम नहीं, जो ओछे वाले लोग होते हैं, ओछे लोग, ठीक है, ओछे लोग, ठीक है, ओछे मतलब अच्छे नहीं होता है, ठीक है, चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं, उनका प्रेम प्रेम नहीं, उनका प्रेम दिखावा होता है, जैसे बालू की भीत, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है शोक करना, शोक करने का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, शोक करना, ठीक है, शोक करने का तात्पर्य क्या निकलता है, शोक करना मतलब होता है दोस्तों सर पीटना, ठीक है, या सिर पीटना या सर पीटना, ठीक है, सर पीटना, शोक करना, ठीक है, ऐसे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि सिर पीटना मतलब क्या होता है, तो शोक करना मतलब इससे आपके घर में चोरी हो गया, खुदा न खास्ता ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हुआ तो 476 का मामला है, ठीक है, कितना 376, गलती बहुत मार खाओगे, 377 में चोरी बताई गई, ठीक है, अरे ऐसा नहीं टेंशन लो, ठीक है, तो 377 है, 382 में जाएंगे उद्यापन मिल जाएगा, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, आगे पढ़ाया गया लूट है, डकैती है, 379 में पढ़ेंगे लूट के बारे में, डकैती पढ़ोगे आगे, ठीक है, 92 में, चलिए खैर अलग बात है, यहां देखिए ध्यान से, सिर पीटना मतलब क्या होता है, जैसे किसी घर में चोरी होगा तो लोग सर पीटने लगते हैं, अरे सब चला गया, सर पीटना मतलब शोक करना, तो याद रखिएगा सिर पीटना का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, शोक करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, कढ़ाई में गिरा चूल्हे में, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों, यानी इसको आप कह सकते हैं कढ़ाई से गिरा, मतलब एक तरफ विपत्ति थी, एक विपत्ति से पीछा छूटा, ठीक है, एक विपत्ति से पीछा छूटा, ठीक है, और क्या हुआ, दूसरी विपत्ति गले पड़ गई, दूसरी विपत्ति गले पड़ गई, ठीक है, याद रखेगा मतलब एक विपत्ति से पीछा छूटा और दूसरी विपत्ति क्या हो गई दोस्तों, ये गले पड़ गई, इसी को क्या कहा जाता है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
तो आगे बताएं जल्दी से क्या होगा, याद रखेगा इसका अर्थ क्या होगा जल्दी से आप सभी बताइए। ठीक है, लिखा विहंगम दृष्टि, क्या लिखा हुआ दोस्तों, विहंगम दृष्टि, तो बताइए इसका अर्थ क्या निकलता है। अगर मुहावरे में आपसे पूछता है कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या निकलता है तो क्या बताने वाले आप सभी जल्दी से बताइए। देखिए विहंगम दृष्टि माने तो क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो नजर होता है, ठीक है नजर, ठीक है। और विहंगम माने क्या होता है दोस्तों, तो विहंगम दृष्टि माने पैनी नजर, या तो आप पैनी शब्द बोलिए या तो आप जैसे बोल सकते हैं सरसरी नजर, ठीक है, या सरसरी निगाह, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कुछ बताएं सरसरी नजर, कुछ बताएं कि सर सरसरी निगाह भी बोला जा सकता है, ठीक है, या कुछ बच्चे बताएं कि सर सरसरी के जगह पे और भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नजर, ठीक है। आजकल आप लोग किताबों के ऊपर पढ़ते होंगे कि विहंगम दृष्टावलोकन ऐसे करके आता है, यानी एक पैनी नजर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए चीजें आपको वहां पर दी जाती है, ठीक है। आगे बताइए दोस्तों, नौ दिन चले अढ़ाई कोस, ठीक है, नौ दिन चले यानी इतना दिन चले, नौ दिन यानी बहुत दिन, नौ दिन थोड़ा बहुत तो होता नहीं है, नौ दिन चले अढ़ाई कोस यानी बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, नौ दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब नौ दिन में कितना चले, अढ़ाई कोस चले, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। तो याद रखेगा नौ दिन चले अढ़ाई कोस का तात्पर्य क्या निकल के आता है, याद रखेगा बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है। आगे देखते हो दोस्तों, आगे देखिए, करा काटो तो खून नहीं, गजब की बात है, क्या ऐसा संभव है कि किसी को काटने पे खून नहीं, क्या ऐसा संभव है, लेकिन इसका मतलब असंभव कार्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, काटो तो खून नहीं, तो याद रखिए इसका मतलब होता है कि काटो, अब देखिए किसी का अगर काट छाट किया जाएगा किसी के शरीर में तो जाहिर सी बात है कि उसको दर्द बहुत होगा, ठीक है। तो याद रखिए इसका मतलब क्या निकलता, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जब व्यक्ति भयभीत होता है, ठीक है, भयभीत व्यक्ति अस्तब्ध होता है, कैसा होता है, अस्तब्ध माने जानते हैं, अस्तब्ध, ठीक है, अस्तब्ध, ठीक है, भयभीत व्यक्ति का अस्तब्ध हो जाना, ठीक है, होना, होना, हो जाना, ठीक है, होना, ठीक है, भयभीत व्यक्ति का लिख लीजिए, भयभीत व्यक्ति का अस्तब्ध होना, इसे कहा जाता है काटो तो खून नहीं, ठीक है। कैसे, जाहिर सी बात आपके शरीर पर अगर कहीं चोट लग जाए, कट गया, तो आपको बड़ा दर्द होता है और आप जोर जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको भय लग रहा हो कहीं पर, ठीक है, तो भले ही कितना दर्द हो रहा हो लेकिन आप आवाज नहीं निकालते, भय के कारण आप क्या हो जाते हो, अस्तब्ध हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, आप कुछ भी बोलने लायक नहीं रह जाते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं काटो तो खून नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं छिपे हो और आपने कहीं पर भूत देख लिया, ठीक है, भूत प्रेत देख लिया, उसके बाद आपकी बोलती बंद हो जाती है, उसके बाद आपके शरीर पर कुछ भी गिर जाए, पड़ जाए, आप आवाज नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आप भय के कारण अस्तब्ध हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंख की किरकिरी होना, किरकिरा नहीं होता है, आंख की किरकिरी होना, ये किरकिरी क्या होता है दोस्तों, जैसे आंख में कुल पड़ जाता है तो उसको लोग बोलते हैं किरकिरी, लेकिन आंख के किरकिरी का तात्पर्य क्या होता है, यहां पर इसका तात्पर्य है अप्रिय होना, क्या होना दोस्तों, अप्रिय होना, आंख की किरकिरी होने का तात्पर्य क्या है, याद रखेगा अप्रिय होना, यानी किसी मतलब अच्छा ना लगना, जैसे होता ना कई बार कोई व्यक्ति किसी को अप्रिय लगता है यार, उससे उसको मतलब देख के चिढ़ होता है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे मोहन को सोहन क्या लगता है, आंख की किरकिरी लगता है, ठीक है, यानी वो जब भी उसको देखता है तो क्या हो जाता है, वो उसको अप्रिय लगता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है। तो आंख की किरकिरी होना, ठीक है, एक आंख न बहाना, इसका तात्पर्य भी कुछ वैसा ही है, एक आंख होती, दो आंख हम लोगों के पास, लेकिन एक आंख भी न बहाना, मतलब आप उस चीज को पसंद ना करना, ठीक है, पसंद न करना, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, या किसी बच्चे ने बता दिया नापसंद करना, क्या बता दिया, देखिए अलग अलग मीनिंग है, नापसंद करना, ठीक है, तो एक ही बात है, आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे कमेंट कर, अभी लोग पीछे वाले क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी तक उनका उत्तर इस वाले प्रश्न के लिए नहीं आया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल पसंद ना करना, ठीक है, बिल्कुल पसंद न करना, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है बताइए, इन तीनों में कोई अंतर है, बिल्कुल पसंद न करना, ठीक है, क्या इन तीनों में अंतर है, या किसी बच्चे ने बोल दिया बिल्कुल अच्छा न लगना, पसंद नापसंद को हटा दिया शब्द, यहां पे उसने लिख दिया बिल्कुल अच्छा न लगना, तो एक ही तभी तो वही बात है, अच्छा न लगना। तो देखिए आप लोग रटिए मत, कई बार क्या होता है लोग मुहावरे को रटते हैं, मुहावरा रटने का विषय नहीं होता, आप मेरे साथ मुहावरा पढ़िए, तीन चार दिन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा बचेगा जो आपकी परीक्षा में आए और आप हल ना कर पाओ, ठीक है, आइए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला लिख रहा है चैन की बंसी बजाना। कई बार होता है ना कि कई बार लोग बोलते हैं कि यार आज मैंने चैन की बंसी बजा ली। ठीक है, चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या होता है, जैसे एक पिता ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह करके चैन की बंसी बजा लिया। ठीक है, अब उसकी मौज आ गई। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कोई जो है कार्यभार नहीं बचा है। तो चैन की बंसी बजाना मतलब मौज आना। ठीक है, मौज आना कह लो, मौज करना कह लो, ठीक है, आराम करना कह लो, चैन की बंसी। ठीक है, जैसे आपका परीक्षा हो जाता तो आप चैन की बंसी बजाते हो। कैसे? चैन की बंसी बजा के सो जाते हो कि अब तो मौज के दिन आ गए, आराम करेंगे, बहुत मेहनत हो गया, बहुत पढ़ाई हो गया, ये होता है चैन की बंसी बजाना। चलो बताओ उंगली उठाना मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप कोई मैटर में किसी के ऊपर उंगली उठाते हो, उसका मतलब क्या है, आप किसी व्यक्ति के अंदर दोष है, उस दोष को बताने के लिए इशारा कर रहे हैं, यही तो मतलब होता है। तो यहां पे उंगली उठाना कब क्या कर सकते हैं, उंगली उठाने को बोल सकते हैं कई तरह के बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि दोषी की तरफ इशारा करना, दोषी की तरफ इशारा करना। देखिए बोलने के अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, या दोषी की तरफ इशारा के जगह पे क्या लिख दिया, संकेत करना। ठीक है, संकेत करना, यही सब होता है उंगली उठाना। यही तो होता है कि उसने मेरे ऊपर उंगली उठा दिया। उंगली उठाना मतलब हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना का मतलब हो जाता है मार पीटना। ठीक है, मारना पीटना वो अलग हो जाएगा, उंगली उठाना मतलब क्या हो जाता है, याद रखेगा, दोषी व्यक्ति की तरफ क्या करना, इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, कलाई खुलना माने क्या होता है भाई, कलाई खुलना जरा कमेंट करके बताएं मुझे, कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है। कलाई खुलने का मतलब होता है भेद का पता चल जाना। क्या? भेद का पता चलना। ठीक है, या कई सारे बच्चे बता सकते हैं, जैसे आपने सोचा सर भेद ना लिखकर हमको याद आया सच्चाई का पता चल जाना। अरे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सच्चाई का पता चल जाना, चलना, ठीक है, ये सब एक ही मीनिंग है, कुछ अलग यहां पर नहीं है। मैं देख रहा हूं, मैं इसलिए दोस्तों फटाफट बताते जा रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेरे जैसा ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सही है, गलत नहीं है। कलई खुलने का मतलब भेद खुल जाना, राज खुल जाना। से किसी बच्चे ने बता दिया कि सर राज खुलने को कहा जाता है, राज खुलना। ठीक है, राज खुलने को क्या कहा जाता है दोस्तों, सर कलई खुलना कहा जाता है। ठीक है, उसका भी सही है। किसी ने कहा कि सर भेद खुलने को कहा जाता है, सर उसका भी सही है। किसी ने कहा सर सच्चाई पता लग जाना, उसका भी सही है। तीनों का उत्तर सही है। मैं कहां कर रहा हूं कि आपका गलत है। ठीक है, तो आप बस खाली मैच कराते चले कि क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आपको आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब क्या होता है, ये खाना खाने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि मुंह की खा गया हो। ठीक है, मुंह की खाना मतलब क्या होता है दोस्तों, हार जाना। ठीक है, हार जाने को यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर हार जाने को क्या कहा जाता है, मुंह की खाना कहा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई गेम खेल रहे थे और उसमें हार गए तो ये बोला जाता है कि उसने मुंह की खा ली। ठीक है, मुंह की खा ली मतलब हार जाना। ठीक है, उसकी हार हो गई, उस हार जाने को क्या कहा जाता है, मुंह की खाना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेत रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये खेत रहना। ठीक है, खेत रहना का मतलब क्या हो जाता है, याद रखे, खेत रहने का तात्पर्य होता है शहीद हो जाना। ठीक है, शहीद हो जाना। ठीक है, शहीद हो जाना। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा सर युद्ध में शहीद होना। ठीक है, सही है, उनका भी सही है, युद्ध में शहीद होना। अब कुछ बच्चे बताएंगे कि सर वीर गति प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है, उनका गलत है क्या, इनका भी तो सही है, वीर गति प्राप्त करना। ठीक है, तो आप समझिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज होकर के रटिए मत। आप देखिए कि परीक्षा में क्या क्या पूछ सकता है और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, आप बात को समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मजेदार बातें करते हैं दोस्तों। आज आप पढ़ लो, कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बारे में, कल नहीं, कल तो लोकोत्ती वाली क्लास चलेगी, परसों एक बार मैं फिर से आपको मुहावरा पढ़ाऊंगा और उस मुहावरे में मैं आपको फंसाने का प्रयास करूंगा। कैसे? जैसे मैं पूछूं कि डपोर शंख माने क्या होता है। ठीक है, डपोर शंख, तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दो तीन बातें बताऊंगा कि आप बताओ डपोर शंख माने क्या होता है। डपोर शंख माने होता है, डपोर शंख ऑप्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी अचानक से मैं बना रहा हूं इसलिए सोच रहा हूं ऐसा ऑप्शन बनाऊं कि आप मेरे चुंगल में फंस जाओ। ठीक है, डपोर शंख माने होता है डरपोक व्यक्ति। आप एक बार चूज करो डरपोक व्यक्ति। ये मैं एग्जाम में कैसे आपको परेशान करता नहीं, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कि डपोर शंख माने क्या होता है, डरपोक व्यक्ति, या डपोर शंख माने होता है जिसके मन में ऐसा व्यक्ति जिसके मन में चोर हो।
चोर माने जानते हैं ना, चोर हो, ठीक है, डपोर संघ। और एक तीसरा मैंने मीनिंग और बना लिया, जैसे मान लीजिए डपोर संघ माने, मान लीजिए बना लिया हमने बिना सिर पैर की बातें करना, ठीक है। अब बताओ अभी तक क्या हो रहा था कि मैं जितने भी मुहावरे थे उनको क्या कर रहा था कि अब एंटिक तरीके से आपको पढ़ाते चल रहा था। अब आपके सामने एक और तरीका से मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी चार पांच क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं। और देखो अभी तक आपको लग रहा था कि सर बड़ा आसान आसान होता है मुहावरा, सर हमको आता है, आता है तो बताओ ना, आता है तो बताओ कौन सा, ये बताओ, डपोर संघ माने बता, मेरे मुंह से निकल जाएगा तो नहीं माना जाएगा, आपको अपनी इच्छा से बताना है, ठीक है। चलो बताओ, डपोर संघ माने डरपोक व्यक्ति होता है, डपोर संघ माने एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में चोर हो, या डपोर संघ माने बिना सिर पैर की बात होती, क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, आपने कहा ज्यादातर जो बच्चों का उत्तर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। तो चलिए मान लिया कि आपको आ रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे मान लिया, ये गलत उत्तर है, ये गलत उत्तर है, ठीक है। याद रखेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बिना सिर पैर की बातें करने को क्या कहा जाता है, डपोर संघ कहा जाता है। बिना सिर पैर की बातें करने को क्या कहा जाता है, डपोर संघ कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि दोस्तों मुहावरे को आप हल्के में मत लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने दोनों मजा आएगा। चलो आओ आगे आते हैं, कुछ आपको एक बार और थोड़ा सा एक बार और परेशान करते हैं तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। नौ नौ मन तेल होगा ना राधा नाच नाचेगी, ठीक है, न राधा नाचेगी, बताइए, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ऑप्शन बनाया, आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन बना लिया, मान लीजिए एक सिंपल ऑप्शन बना लिया, आपने कई बार पढ़ा, असंभव कार्य, ठीक है। चलिए चौथा ऑप्शन एक बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, बताइए इसमें से क्या हो सकता है। ये तीन ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें से हो क्या सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो ऑप्शन मैंने एक जैसा बनाया तो हो सकता है आप अपना उत्तर जल्दी छांट पाए, ठीक है, क्योंकि धन प्राप्ति की इच्छा या लालसा, या धन प्राप्ति आवश्यकता से अधिक धन प्राप्ति की इच्छा, ठीक है। तो हो सकता है आप यहां पे बता दें, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर बच्चे गलत ही करने वाले, ठीक है। देखिए ऑप्शन दे दिया तो सब फंसना शुरू हो गए, ठीक है, ऑप्शन दे दिया तो सब शिकारी के जाल में फंसने लगे। याद रखेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, असंभव कार्य, असंभव कार्य, न नौ मन तेल होगी न राधा नाचेगी, क्या है यह, असंभव कार्य है। जब कोई कार्य असंभव होता है तब इस तरह के लोग टीका टिप्पणी देते हैं, मुहावरे के रूप में इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। असंभव कार्य यहां पर क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलो एक और बताओ, बैल न कूदे कूदे तंगी, ठीक है, बताइए बताइए, बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बताइए, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक ऑप्शन बनाया, ठीक है, मालिक शांत है किंतु नौकर उछल रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि मालिक शांत रहता है और नौकर ही अपने आप को क्या समझता है, मालिक। तो क्या वहां पे बोल सकते हैं बैल न कूदे कूदे तंगी, क्या वहां पर ऐसा बोला जा सकता है कि बैल न कूदे कूदे तंगी, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हम मालिक के दम पर नौकर, मालिक के दम पर, अभी क्या लिखा हुआ है, इसके पहले था कि मालिक शांत है किंतु ऐसा कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या मैंने दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहां पर, कि मालिक के दम पर या मालिक के बल पर नौकर का उछलना या साहस, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिया। और एक और बना लिया दोस्तों यहां पर, मालिक चोर है और नौकर डाकू, बताइए क्या होगा दोस्तों यहां पे सही, ठीक है।
अभी आगे मैं एक आपको ट्रेलर दे रहा हूं कि कल से मैं क्या करने वाला हूं, आप ये देखिए, ठीक है। आज मैं क्या कर रहा हूं वो देखिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा कि मालिक के दम पर या मालिक के साहस पर, मालिक के बल पर जो नौकर का साहस है याद रखेगा, उसे क्या कहा जाता है, बैल न कूदे कूदे तंगी। जैसे जो पुलिस वाले होते हैं पता चलता है उसका बड़ा ऑफिसर शांत है, लेकिन जो छोटे वाले हैं वो क्या करते हैं, बड़ा उछलते रहते हैं, या जो मेन गुंडा होता है वो शांत रहता है, लेकिन जो उसके गुर्गे होते हैं वो बड़ा आतंक मचा के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में इस तरह के जो है मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेट भरे मनमोदक से कब, ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से, पेट भरे मनमोदक से कब, ठीक है। यानी ये आपके ऊपर एकदम बैठती है, ये मुहावरा आपके ऊपर एकदम बैठता है। जैसे केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल नहीं मिलती है, याद रखेगा, केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती। अरे मेरे भाई, मंजिल न मिले, सफलता न मिले, गोल न मिले, क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है। आप तो आराम से देखते जाइए आज के बाद। अच्छा, कई बच्चे सोचने का, नितिन सर शेयर वेयर करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे, छोड़ दिया भाई, आपने मेरा दिल तोड़ा। मैंने आपसे शनिवार को क्या कहा था कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि आप करते वही हो जो आपका मन करता है। मैं क्यों बोलूं कि आप लाइक कर दो, ठीक है। छोड़ो, आउट टॉपिक पे आते हैं। केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती, केवल सोचने से सफलता नहीं मिलता, इसके लिए मुहावरा क्या इस्तेमाल होता है, पेट भरे मनमोदक से कब, ठीक है। आगे आगे बढ़े दोस्तों, आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, निर्लज्ज होना। क्या होना, निर्लज्ज होना, ठीक है। निर्लज्ज होने को क्या कहा जाता है, आंख का पानी ढल जाना, ठीक है। ऐसा हम लोग पीछे भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आगे देखिए, चोर के पैर नहीं होते, मतलब याद रखिएगा, चोर के पैर नहीं होते मतलब जो दोषी व्यक्ति होता है ना, चोर का तात्पर्य क्या है कि जो दोषी व्यक्ति होता है वह अपने आप ही फंस जाता है, अपने आप ही फंस जाता है। देखिए कई सारा मीनिंग है, या तो अपने आप फंस जाता है, आप मेरा कहने का तात्पर्य सुनिए, चोर के पैर नहीं होते इसका तात्पर्य निकल के आता है कि जो दोषी व्यक्ति है वह फंस जाता है, या जो दोषी व्यक्ति है वह अपना सुराग छोड़ ही जाता है, ठीक है। या जो दोषी व्यक्ति है वह चाहे सुराग छोड़ जाता है, चाहे अपने आप फंस जाता है, ठीक है, या फिर कुछ और इस तरह का सेंटेंस अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुहावरे का अर्थ समझिए कि मुहावरा आपसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। थाली का बैगन, बताओ जल्दी से, थाली के बैगन का मतलब क्या होता है, थाली के बैगन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतहीन है, ऐसा व्यक्ति व्यक्ति जो सिद्धांतहीन है, ठीक है, उसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांतहीन व्यक्ति है, ठीक है। याद रखे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, थाली का बैगन, या कभी कभी सुना होगा बिन पेदी का लोटा, सुना है कि नहीं, बिन पेदी का लोटा, ठीक है, बिन पेदी का लोटा। आप कहते हो बिन पेदी का लोटा मतलब कहीं भी ढरक जाना, ठीक है, मतलब उसका सिद्धांत कोई है नहीं, वह सिद्धांतहीन व्यक्ति है, तभी तो आज यहां रहेगा कल दूसरी बात पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते व्यक्ति ना, अरे इसका मतलब आप समझिए कब आता है, इससे कई बार आपके सामने ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आज कुछ और बात कहते हैं, कल कुछ और बात कहते हैं, परसों कुछ और बात कहते हैं, मतलब वो दम पे दम अपनी ही बात पे नहीं रहते, ऐसे लोग मिलते हैं ना, याद रखे ऐसे व्यक्तियों को सिद्धांतहीन व्यक्ति कहा जाता है, और उनको चाहे आप थाली का बैगन कहिए, चाहे बिन पेदी का लोटा कहिए, आप कह सकते हैं, ठीक है। गागर में सागर भरना, ठीक है, देखिए गागर, सागर तो बहुत बड़ा होता है, सागर तो क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और गागर तो बहुत छोटा होता है, ये तो बहुत छोटा, अगर सागर की अपेक्षा देखा जाए तो दोस्तों क्या है, तो छोटा होता है। तो याद रखें, गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है, यानी विस्तृत बात को, किसी विस्तृत बात को, ठीक है, संक्षेप में कहना, ठीक है, संक्षेप में कहना, ठीक है, याद रखिएगा, कहना करना, इसे क्या कहा जाता है, गागर में सागर भरना। जैसे आपको पता होगा मुहावरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन नितिन सर की क्लास देखने के बाद हम सीख जाते हैं गागर में सागर भरना, क्यों, क्योंकि हम फिर सवालों को करना सीख जाते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे संधि की पहचान होती है, कैसे समास की पहचान होती है, ये सारा हमको सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है गागर में सागर भरना, ठीक है। गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम पता है आपको, कविवर बिहारी लाल को कहा जाता है गागर में सागर भरने वाले कवि थे, ठीक है, जी हाँ, क्योंकि उनकी सभी कविताएं ऐसी ही होती थी। तलवार की धार पर चलना, बताएं जल्दी से, तलवार की धार पर चलना मतलब क्या होता है, देखिए जो व्यक्ति तलवार की धार पर चलेगा
वो आसान काम तो है नहीं, मतलब बहुत कठिन काम है। ठीक है, आप चल लेंगे क्या? आप चल पाएंगे? तो याद रखिएगा, कठिन कार्य करने को क्या कहा जाता है? तलवार की धार पर चलना, या फिर माउंटेन ड्यू को। ठीक है, क्योंकि माउंटेन ड्यू है तो डर के आगे जीत है। कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मजाक की बातें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कठिन कार्य करने को क्या कहा जाता है? तलवार की धार पर चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आंख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था गांठ का पूरा होने का मतलब क्या है? मालदार। मैंने क्या आपसे बताया था? मालदार। मैंने आपसे बताया था धनी व्यक्ति, ही बताया था ना, धनी व्यक्ति। मैंने ऐसा ही कुछ आपको कहा था। ठीक है, गांठ का पूरा अभी आपके सामने आ गया, आंख के अंधे। आंख के अंधे गांठ का पूरा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंख का अंधा मतलब क्या हो जाता है? मूर्ख हो गया, ये मूर्ख हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो धनी मतलब ऐसा मूर्ख जो धनी है, तो आप क्या उसको उल्टा सेंटेंस बना के बोल सकते हैं? धनी परंतु मूर्ख। क्या बोल सकते हैं इसको आप? क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं? धनी परंतु मूर्ख। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आंख के अंधे गांठ के पूरे। पैसा तो है, धनी तो है, लेकिन कैसे हैं? मूर्ख व्यक्ति हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते। चाम मतलब जानते हैं, यानी चमड़ी से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते, मतलब जो नगाड़ा होता है वो बड़ी चर्बियों से बनता है, छोटी चर्बियों से नगाड़ा नहीं बनता। नगाड़ा यानी ढोल। यार आपको इतना बड़ा ढोल बनाना है, ठीक है, तो आप बताइए, क्या चूहा होता है इतना बड़ा, तो उसके शरीर से कितना चमड़ा निकल जाएगा? इतना ही चमड़ा निकलेगा ना, तो क्या इससे आप नगाड़ा बना सकते? नहीं। इसका मतलब यह दोस्तों, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मारे जाते, इसका तात्पर्य होता है कि याद रखेगा, सीमित साधन से। ठीक है, सीमित साधन मतलब क्या है? अब देखिए, यहां पर नगाड़ा इतना बड़ा है, चूहा छोटा है। ठीक है, तो सीमित साधन से बड़े काम नहीं किए जा सकते, बड़े काम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। औधी खोपड़ी। औधी खोपड़ी मतलब क्या होता है बताइए? एक प्रश्न का जवाब आप सभी दीजिए, औधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। औधी खोपड़ी, जल्दी बताइए। औधी खोपड़ी, देखिए औधी खोपड़ी मतलब क्या होता है? महामूर्ख व्यक्ति। ठीक है, महामूर्ख व्यक्ति। ठीक है, या जैसे कभी कभी आप बोलते हो लंपट मूर्ख। क्या बोलते हो? लंपट मूर्ख। ठीक है, औधी खोपड़ी, लंपट मूर्ख। ठीक है, औधी खोपड़ी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कुछ ऐसा शब्द बताइए, और बताइए, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बताइए, औधी खोपड़ी। तो इसी तरह के कमेंट्स आप करते रहें। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आगे भी हम लोग इसी तरह से जुड़ेंगे। आज तो हम लोगों ने मुहावरे की क्लास किया, और कल की डेट में दोस्तों हम लोग करेंगे लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न, और परसों वाली क्लास मुहावरे की आखिरी क्लास होगी एक प्रकार से। ठीक है, और उस दिन हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ ही साथ आपको मैं खूब ऑप्शन दूंगा, गलत भी ऑप्शन दूंगा, ताकि आप उसमें फंसो। मैं तो चाहता हूँ आप फंसो, क्योंकि जब आप फंसोगे तब आप याद करोगे कि हाँ सर, हमको मुहावरा पढ़ना चाहिए। और अगर नितिन सर कोई क्लास दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए कि सर ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, कम क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर स्टडी 91 पर भरोसा है और नितिन सर पर भरोसा है, तो इत्मीनान से आप ये सब क्लास करते जाएं, आप ही के लिए फायदा रहेगा, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।